सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड का जो कीबोर्ड रहता है उसमें मैंने यहाँ पे अपने फोटो को सेट किया। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ यही ट्रिक कि आप किस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए अभी इस इंट्रो के बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल देख ही लिया, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए पूरा ट्रिक यहाँ बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे अब आपको क्या करना है चलिए बताते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे हमारा पहले यहाँ कीबोर्ड का जो सेक्शन रहता था वो हमारा वैसे ही हो चुका है। और गाइस यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, चलिए वीडियो को बताते हैं आपको क्या करना है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता होगा, हर मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल में आपको ऑप्शन नजर आता होगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ मैंने क्लिक किया उस पर जैसे आप क्लिक करोगे देख सकते हो गाइस आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे ना लैंग्वेज पे ना थीम्स पे कैसे पे क्लिक नहीं करना, आपको सिंपल से ये जो ऑप्शन है गाइस ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये देख सकते हो गाइस ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है आपको सिंपल से। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। देख सकते हो जैसे आपने वहाँ पे ऑप्शन देखा, देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है देख सकते हो गाइस ट्रेंड्स के ऑप्शन से नाम है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करना, हर एंड्रॉइड मोबाइल में यहाँ पे होता ही होता है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना है चलिए अब आपको बताते हैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है थीम्स का, ये देख सकते हो थीम्स का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ थीम्स पे क्लिक करना है। तो गाइस आप वहाँ पर भी देखे थे, वहाँ पर मैंने जब क्लिक किया था थ्री डॉट जो था कीबोर्ड्स में, तो गाइस वहाँ पर भी थीम्स का ऑप्शन आ रहा था। गाइस वहाँ से भी आप डायरेक्टली आ सकते हो गाइस। तो गाइस यहाँ देख सकते हो इस तरीके से आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ से कोई सा भी एक यहाँ से थीम को डाउनलोड कर लेना है। थीम को डाउनलोड करने चलिए मैं फटाक से कोई सा भी एक थीम को आपके सामने डाउनलोड करके पूरा प्रोसेस यहाँ दिखाता हूँ आपको। गाइस यहाँ चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसी को ही, जैसे यहाँ से डाउनलोड होने देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे पूरा मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको कोई भी वीडियो पॉज नहीं करूँगा, आपको पूरा यहाँ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और साथ ही बताऊंगा भी कि यहाँ पे आप किस तरीके से यहाँ पे अपने फोटो को सेट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है लगभग, देख सकते हो गाइस डाउनलोड होने के बाद तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ गाइस देख सकते हो धीरे धीरे मतलब नेटवर्क यहाँ थोड़ा इशू है, लेकिन डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे देख सकते हो, डाउनलोड हो चुका है देख सकते हो यहाँ पे आप। तो गाइस यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब आपको यहाँ सिंपल से आप लाइक कर देना है। अब जैसे ही आप लाइक करोगे तो आपको ये सिंपल सा फिर से अगर फिर से आपको बैक करना है देख सकते हो, तो जैसे मैं बैक करता हूँ तो गाइस थीम का जो ऑप्शन इस पर क्लिक कर रहे देना, फिर इंस्टॉलर पे जाना है। इंस्टॉलर पे जाने के बाद आपको उस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हो मैं यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको सेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है गाइस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो इस वाले जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा फॉन्ट कलर चेंज होने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से अगर आप फॉन्ट कलर को चेंज भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप आके करके कर सकते हो। और साथ ही गाइस यहाँ बताने वाला हूँ, अगर आपको कोई फोटो लगाना है बैकग्राउंड में, अगर आप कोई से भी अदरवाइज अपने फोटो नहीं लगाना चाहते, अगर फिर अगर आपको यहाँ से कोई क्लिक करके फोटो लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हो। गाइस यहाँ से आपको सिंपल से गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ से आपको बोलेगा फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं। चलिए गाइस मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे मैं फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिंपल क्रॉप करके इस तरीके से मैं इसको फेस को यहाँ पे ला देता हूँ, फिर यहाँ जो नीचे ओके का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओके पे ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस अप्लाई थीम होने का ऑप्शन आ जाएगा। और गाइस देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा थीम अप्लाई हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप थीम अप्लाई कर सकते हो अपने फोटो को, चाहे कोई सा भी यहाँ फोटो लगा सकते हो, और साथ ही यहाँ फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया। चलिए गाइस वीडियो को आप लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आता तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।